हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू गाइस यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब. सो या आल्सो आई एम हैप्पी एंड आई एम आल्सो डूइंग माय ग्रेट जॉब. सो यस, टुडेज इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माय समर स्टॉक टू फेस पैक जिसे हम घर पर रेडी करेंगे. स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी गपशप. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो है ये. फर्स्ट है ये हमारे पास इस बाउल में मैंगो पल्प जिसे हम बाद में मैश करेंगे. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पून की ज़रूरत हो सकती है इसलिए एक्स्ट्रा स्पून रखें. और इवन ये है, ये देखो आप, ये है मसूर दाल, बहुत खाई होगी आपने चावलों के साथ, ठीक है. तो यस, ये आपको ना इसका ये पेस्ट कैसे बनाना है, आपको सिर्फ एक चम्मच लेनी है. और आप देख सकते हो कि एक चम्मच भी बहुत ज़्यादा हो गया है. ये देखो, एक चम्मच बहुत ज़्यादा हो गया है. तो अगर आप आधा चम्मच लोगे ना, वन टेबल स्पून, ठीक है, लाइक दिस, ये वाली स्पून जो है ये आपको लेनी है और आधी चम्मच लेनी है, आपके फेस के लिए इनफ है. अगर आप अपने नेक को भी कवर करना चाहते हो तो हाँ, एक चम्मच लीजिए और उसे कम से कम बस 15 मिनट में ये इतनी अच्छे से, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, भिगो के रखने के बाद अच्छे से, मतलब डालना, वो थोड़े भिगाने रख देना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं. और उसके बाद आपको ये लेंगे थोड़ी सी फ्रेश कर्ड दही. एंड यू कैन सी ये दही है और थोड़ा और है, ज़्यादा नहीं लेना है. ये भी आई थिंक 2 चम्मच मैंने ये लिया है और मैंगो पल्प भी इतना है, क्योंकि ना फिर जब ज़्यादा बन जाती है चीज़ें तो बच जाती हैं, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है. एंड इवन अब हम सोचते हैं कि फ्रीज में रख लो तो उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं बात होती है जो हम तुरंत इस पैक को बनाते हैं, ठीक है. तो इसीलिए कम बनाइए जितनी ज़रूरत है. एंड अगर आपके साथ कोई और पार्टनर है तो आप उसके लिए बना सकते हो. यस, तो ठीक है, हम यहाँ पे अपना फेस पैक रेडी करते हैं. तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे मसूर दाल का फेस पैक. एंड ये बिलीव मी गाइस, एकदम परफेक्ट फेस पैक कहो, यस फेस पैक है ये एकदम. एंड इससे ना आपकी स्किन, इससे ना एक चीज़ होती है आपकी स्किन जो सन की वजह से, जो सन टैन की प्रॉब्लम आपके स्किन पर हो जाती है, चाहे कितनी भी गंदी वाली आपको सन टैन की प्रॉब्लम क्यों ना हो स्किन पर, लेकिन अगर आप इसे डेली लगाओगे, कंटिन्यू अगर आप इसको डेली अप्लाई करते हो अपने फेस पर, तो आपको ना रियली में इफेक्ट देखिएगा अपनी स्किन पर. एंड क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना घर पर बनाकर ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस तरह से फेस पैक घर पर बनाना और लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मुझे ना सबका रिजल्ट पता है कि किसका रिजल्ट कितना मिलेगा, क्या है ये. सो यस, इसीलिए. एंड स्मेल ना इसमें फ्रेश वाली है और ये मैंने घोल के रख लिया था जब ये भीग गई थी 15 मिनट बाद. मैंने इसको मिक्सी में तो मैंने पीसा नहीं, क्योंकि फिर मिक्सी के लिए ना इसलिए ना क्वांटिटी में इसकी थोड़ी कम पड़ रही थी, इसीलिए जो सिल होता है ना पत्थर वाला जिस पर हम चटनी पीसते हैं, है ना, अभी भी होंगी ही यार आपके घर में, मेरे घर में है, तो वो उस पर पीसना है आपको और एकदम महीन पीस देना है. और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ लव, जो कि समर के लिए वरदान, अमृत है अमृत. तो अब हम इसमें ना हनी ऐड, सॉरी ये दही अपना 1 चम्मच ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. नाउ दिस टाइम वाओ यार, फेस पैक में ना बहुत अच्छी स्मेल आ रही है. अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से अपने फेस पर लगा लूं, क्योंकि इसे देखने का मन कर रहा है ना, ये वैनिला आइसक्रीम, वैनिला यार, मुझे नहीं आइसक्रीम की फीलिंग आ रही है इसे देख कर, खा लूं क्या. अच्छे से मिक्स करना है बहुत अच्छे से. नाउ दिस इज रेडी टू अप्लाई. सो इसको अपने फेस पर लगाने से पहले आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है
फेस वॉश से वॉश कर लेना है अपना फेस, तो फिर आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। चाहे तो आप ब्रश ले लीजिए, अगर आपको ऐसे हाथों से लगाना पसंद नहीं तो आप ब्रश यूज कर लीजिए, लेकिन मुझे अपने हाथों से ही सेटिस्फेक्शन मिलती है जब भी मैं अपने फेस पर कुछ लगाती हूँ। एंड अपने फिंगर टिप्स से मैं जब तक कुछ लगाऊंगा तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ अपने फेस पर लगाया, तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं अपने कोई भी फेस पैक को एंड इवन बहुत ऑलमोस्ट कुछ प्रोडक्ट मेकअप प्रोडक्ट भी होते हैं ना, वो भी मैं ज़्यादातर अपने फिंगर टिप्स से लगाती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। एंड यस, ये जो पैक है रेडी हो गया है, तो इसको हम रख नहीं, हम इसको अपने फेस पे लगा रहे हैं। और मेरा फेस यार पहले से गीला हुआ है। अच्छे से लगा लेना है अपने फेस पे। यार ये इतना असरदार है ना, इतना असरदार फेस पैक है ना, अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लोगे ना तो फिर आपको लगेगा ना इसे बनाना कितना मुश्किल है। इसको पहले भी गाने के लिए रख दो, आप डायरेक्ट इसका ना मिक्सी में इस दाल को पीस के पाउडर बना और फिर उसको मिक्स करके मतलब पाउडर बना के रख लीजिए, और फिर जब आपका मन करे तब इसको मिक्स करके बनाइए इसका फेस पैक बस, और लगाइए अपने स्किन पर। और अब हम इसके बाद अपना मैंगो जो ये जो हमने पल के हाथ में कलेक्ट किया है इसमें थोड़ा सा एंड ये भी मतलब 1 टेबल एंड हाफ मतलब 1.5 चम्मच से ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे चम्मच से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हनी ऐड करेंगे, ठीक है। और हनी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है यार, कि मैंने कभी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी। अच्छा डाबर हनी तो एक प्योर हनी है ना, है ना, और हर कोई आई थिंक डाबर हनी ही यूज़ करता है, लेकिन यार इस बार ये देखो ना, ये देखो कैसे जम गया, इसमें से इतना बचा है, और ये पता है अब नीचे से ऐसा हो गया है। अब मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ये रियल वाला हनी है यार, ये डाबर हनी है जो कि कितने का था, इस प्राइस क्या है इसका, इसका प्राइस 475 है MRP इसकी, और इसमें बस इतना बचा है। लेकिन अब इसमें देख रहे हो चीनी की तरह, और मुझे अब लग रहा है कि यार ये लगता है डाबर के हनी में ना मिलावट आ गई। तो यस, अगर आप कोई प्योर हनी यूज करें और आपको पता है कि ये एकदम प्योर हनी है तो मुझे कॉमेंट में बताना यार, क्योंकि मेरे को भी चाहिए प्योर हनी। एंड यस, इसमें हमने जो मैंगो अपना फल जो मैंगो फल था जो मिक्स किया था उसमें हनी हमने ऐड किया है, और ऐड करने के बाद इसमें स्मेल तो बस इतनी मतलब ऐसी आ रही है ना, एक खा जाऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है इसे खाना पड़ेगा। सो फाइनली मेरा फेस पैक भी ड्राई हो चुका है, और अब हम इसे वॉश कर लेंगे। एंड वॉश करने के बाद हमने जो ये मैंगो का फेस पैक बनाया है उसको अब अपने फेस पर लगाने वाले हैं। सो यस ये कंप्लीट हो जाए फेस पे लगाने के बाद, ये ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, एंड फिर आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। एंड कोई भी फेस वॉश आपको नहीं लगाना है, सिर्फ ऐसे ही आपको इससे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। एंड दैट्स इट, हमारा जो फेस पैक का प्रोसेस था दोनों कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।